हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आज मैं फिर से आज ना एक और नई रेसिपी के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी सब्ज़ी बनाएं जो चटाकेदार भी हो, साथ ही साथ क्विक एंड ईजी भी हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चटाकेदार सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पहले हम रेसिपी। तो सबसे पहले एक बाउल में हम मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाला है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टेबल स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने की वजह से इसमें कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, तभी मसाला मुझे थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। तो मैं इसमें 1 और चम्मच जितना पानी ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा एकदम तैयार हो चुका है। इसे हम रख देंगे साइड में। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन। पैन के अंदर मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून जितना ऑयल। ऑयल को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे सबसे पहले कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 8 से 9 कड़ी पत्ता डाले हैं। कड़ी पत्ता को अच्छे से चटका लेना है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून जितना ज़ीरा। जीरे को भी अच्छी तरीके से हमें चटकाना है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 सूखी मिर्च। कहते हैं ना, कोई भी सब्ज़ी की जान उसका तड़का रहता है। अगर आप तड़का ठीक से नहीं लगाएंगे तो कैसे भी सब्ज़ी होगी वो बेकार बनेगी। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से तड़का तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 टेबल स्पून जितना लहसुन की चटनी, जो हम नॉर्मली घर में बना के रखते हैं वो। अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन की चटनी डालते वक्त मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया था ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें हम पूरी सब्ज़ी का नमक डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये सब्ज़ी तरी वाली बनेगी। अब हम इसमें मिलाएंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से इसको 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा जो तैयार करके रखा था मसाला, वो जो हमने मसाले घोल के रखे थे वही। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो मसाले चलेंगे नहीं, साथ ही साथ ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। 2 से 3 चम्मच जितना पानी मैंने कटोरी में डाल दिया था वो इसमें मिलाया है। अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी मैं इसमें और मिलाऊंगी। ध्यान रखिएगा पानी धीरे धीरे डालना है, एक ही साथ बहुत सारा पानी मत डाल दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम हमारी स्लो है इस टाइम पे। तो अभी मैंने 3 चम्मच जितना और पानी डाला है और इसे वापस से पकाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जो मसाले ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें पकेंगे। तो अभी गैस की फ्लेम स्लो है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे पानी उड़ रहा है, यानी कि सूख रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला एकदम बढ़िया तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा पानी उड़ चुका है, यानी मसाला हमारा एकदम बढ़िया तैयार हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें मिला देंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। एक बार इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे और वापस से इसमें मिलाएंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, इसका क्रंच सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगता है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कप जितना दही। दही बहुत ही खट्टा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। साथ ही साथ ये चीज़ का ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम स्लो है, अगर हाई फ्लेम पे आप दही डालेंगे तो दही फट जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। अब इस टाइम पर हम इसमें मिला लेंगे 1 गिलास जितना पानी और वापस से सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पानी को 1 उबाल आने तक हमें पकाना है। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 6 पापड़ ले लिए हैं, जो उड़द दाल के पापड़ आते हैं वही है। ये लिचित पापड़ है जिसको मैंने भून लिया था तवे पे। आप चाहें तो गैस पे भी सीधा भून सकते हैं। अब इसके मीडियम साइज़ के टुकड़े हम कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ही बारीक टुकड़े मत कीजिएगा। तो सभी पापड़ों को टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब पानी भी उबल चुका है तो इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे सभी पापड़। पापड़ को बहुत चलाना नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। सिर्फ मैंने ऊपर से हल्का सा इसे दबा लिया है। अब लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे पाव भाजी मसाला 1/2 टीस्पून जितना और वापस से इसको मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे ग्रेवी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ना तो बहुत ही लिक्विड ही रख रही हूँ, ना तो बहुत ही सूखा सूखा लग रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रखूँगी। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सब्ज़ी हमारी तैयार हो रही है। तो अभी हमारा बहुत सारा पानी सूख चुका है, जैसे जैसे मुझे ग्रेवी चाहिए थी वैसे तैयार हो चुकी है।
तो लास्ट में मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी। तो लीजिए तैयार है हमारी पापड़ की सब्ज़ी। एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों कैसे लगे आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।